तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट एंट्री, जनरल एंट्री, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज का 24-25 एंट्री होगी, वो अगर हमने याद कर लिया तो पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज अपने को इजीली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग जनरल किसकी बुक में सीखने वाले हैं, जनरल हिंदी बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ऐसा ड्रॉवर अमित हो सकता है, सुमित हो सकता है ना, ऐसा समझे, हम ड्रॉवर के हिसाब से ही करेंगे। यहाँ पे डेट क्या रहेगा, और यहाँ पे डेट रहता है, और क्या रहता है, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले क्या होगा, क्रेडिट सेल होगा, है ना, तो सेल की एंट्री क्या होगी, सिंपल है एकदम। सबसे पहला जो एंट्री होगा वो क्या होगा, सेल होगा, है ना। तो सेल की एंट्री क्या होती है, हाँ, जिसको सेल करोगे वो क्या बनने वाला है, ड्रॉवी ना, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर ड्रॉवी का नाम अमित है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैसे सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया, कैसे, क्रेडिट, उधारी का सेल ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ना, उसका ही बिल बनेगा, कैश ट्रांजेक्शन का बिल नहीं बनेगा, है ना, ये समझा आप लोगों को, सेल की एंट्री याद रहेगी। तो ड्रॉवर की बुक में अगर सेल की एंट्री है तो ड्रॉवी की बुक में उस टाइम किसकी एंट्री होगी, परचेस की, तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे, फिलहाल ये देखिए। फिर क्या बनेगा, दूसरा क्या एंट्री आएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, बिल कौन एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवी, और बिल वो रिटर्न किसको दे देगा, ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है ना, तो ड्रॉवर के लिए बिल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है ना, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कौन दे रहा है, ये कौन दे रहा है, ड्रॉवी, ऐसा नहीं होता, क्या है कि ड्रॉवर बिल बनाएगा तब तक वो क्या रहेगा, ड्राफ्ट रहेगा, फिर वो बिल की कॉपी किसको देगा, ड्रॉवर, ड्रॉवी को देगा, ड्रॉवी साइन करेगा और एक कॉपी किसको दे देगा, ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, बिल आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल और ड्रॉवी अकाउंट क्या होगा, क्योंकि ड्रॉवी क्या होगा, गिवर होगा ना, क्रेडिट द गिवर। सिंपली आपको याद रखना है, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की गारंटी होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, बिल एक्सेप्ट होगा ना, तो उसके बाद बिल जब बन गया और एक्सेप्ट हो गया तो बिल क्या होगा, या तो ड्रॉवर के पास ही रहेगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिटेन्ड बिल, है ना, या फिर बिल किसके पास जाएगा, इंडोर्सी के पास, ड्रॉवर क्या करेगा, बिल इंडोर्स करेगा, या फिर क्या करेगा, ड्रॉवर डिस्काउंटिंग करेगा, या बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। टोटल कितने केस हुए, 4, तो हम लोग एक एक करके केस करने वाले हैं, ठीक है, और जो आपने जो अटेंड नहीं किया था वो आपका यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटेन्ड बिल, रिटेन्ड बिल का क्या मतलब है, ड्यू डेट तक बिल किसके पास रहेगा, ड्रॉवर के पास ही रहेगा, ड्यू डेट के दिन ड्रॉवर ड्रॉवी के पास जाएगा, ड्रॉवी को बिल दिखाएगा, ड्रॉवी क्या करेगा, बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर देगा, है ना। तो रिटेन्ड बिल अगर क्या हो गया, क्या होने वाला है, बिल या तो ऑनर होगा या तो फिर क्या होगा, डिसऑनर होगा, तो बिल रिटेन्ड बिल ऑनर्ड, है ना, ऑनर्ड मतलब ड्रॉवी ने पैसे दे दिए, तो ड्रॉवी कैसे पैसे क्या देगा, या तो कैश में पैसा देगा या तो चेक से पैसा देगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके अगेंस्ट में पैसा मिल रहा है, बिल के अगेंस्ट में, तो टू क्या लिखोगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, जो अमाउंट रहेगा वो लिखोगे, आया समझ में। फिर नरेशन, नरेशन क्या लिखोगे, बिंग रिटेन्ड बिल ऑनर्ड, उतना ही लिखना, जो है जिसकी आप एंट्री मारो वही क्या कर देगा, किस में लिख देने का, नरेशन में लिख देगा। फिर चौथा, तो रिटेन बिल या तो ऑनर होगा या तो फिर क्या होगा, डिसऑनर होगा, तो डिसऑनर की क्या एंट्री आएगी वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। रिटेन बिल डिसऑनर, इसकी क्या एंट्री आएगी, जब भी ना याद रखो, जब भी डिसऑनर हुआ ना, सिंपल, किसको डेबिट करने का, ड्रॉवी को, जब भी डिसऑनर हो तो किसको डेबिट करने का, ड्रॉवी, तो क्या आएगा, ड्रॉवी अकाउंट क्या हो गया,
डेबिट हो गया। कौन सा बिल डिसऑनर हुआ? रिटेन्ड बिल, मतलब बिल का पैसा मिला क्या? नहीं। ड्रॉबी ने हमको क्या दिया था? बिल दिया था ना, वो बिल क्या करने का? उसको वापिस रिटर्न कर देने का, इसकी रिवर्स एंट्री हुई। ठीक है, तो ड्रॉबी अकाउंट डेबिट टू क्या हो? बिल्स रिसीवेबल रिटेन्ड बिल। डिस्काउंटिंग होगा तो बैंक यहाँ पे आएगा, डिस्काउंटिंग होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? बैंक। इंडोर्स किया तो इंडोर्सी का नाम आएगा, वो आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ देखो, रिटेन बिल अगर डिसऑनर हो तो क्या एंट्री मारने का? डिसऑनर वर्ड आया ना, ड्रॉबी डेबिट। फिर केस के हिसाब से क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या केस है? रिटेन बिल है तो क्या क्या क्रेडिट होगा? बिल्स रिसीवेबल। अगर केस क्या रहेगा? डिस्काउंटिंग, तो क्या यहाँ पे आएगा? बैंक। अगर ये इंडोर्समेंट है तो कौन आएगा? इंडोर्सी आएगा। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो क्या आएगा? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। डिसऑनर का मतलब समझा ना, डिसऑनर में किसको डेबिट करने का? ड्रॉबी को। क्रेडिट क्या करने का? डिपेंड ऑन द केस, है ना। तो रिटर्न बिल था ना, तो हमने किसको क्रेडिट किया? बिल्स रिसीवेबल। नरेशन क्या लिखेगा तुम लोग? बिंग रिटर्न बिल डिसऑनर, सिंपल है। अच्छा, डिसऑनर दो तरीके का होता है, एक विदाउट नोटिंग चार्जेस और दूसरा विथ नोटिंग चार्जेस। कल मैंने बताया था आप लोगों को सर, ठीक है, जब रिवीजन ले रहा हूँ। क्या होता है कि जब ड्रॉबी के पास बिल दिखाओगे, ड्रॉबी क्या करेगा? या तो पैसे दे देगा यानी ऑनर, या तो पैसे नहीं देगा। तो नहीं देगा तो कैसे? नहीं देने का जा, तो इस केस में आप क्या करोगे? वकील के पास जाओगे ना, नोटरी पब्लिक के पास जाओगे। और अगर वो रिक्वेस्ट करता कि भाई अभी पैसे नहीं है, थोड़े दिन रुक जाओ, तो आप रुक जाओगे। तो बिल डिसऑनर हुआ क्या? यस, बिल डिसऑनर हुआ, क्योंकि ड्यू डेट को पैसा नहीं मिला। ड्यू डेट को पैसा नहीं मिला तो बिल डिसऑनर। तो लेकिन दूसरा जो केस मैंने बताया कि वो रिक्वेस्ट करा कि भाई अभी पैसे नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? नोटरी पब्लिक के पास जाओगे। केस करना जरूरी है? नहीं ना, अच्छा नहीं। तो ये वो वाला केस है जिसमें केस करने की जरूरत नहीं है, और अभी नोटिंग चार्जेस वाला। पांचवा, रिटेन बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस, ठीक है। नोटरी पब्लिक के पास जाओगे, डिसऑनर हो गया बिल, तो नोटिंग चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्योंकि डिसऑनर वर्ड आया तो मैं किसको डेबिट करूंगा? ड्रॉबी को। तो ड्रॉबी क्या हो जाएगा? तो ड्रॉबी अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होएगा? एक तो बिल, क्योंकि कौन सा केस है? रिटेन बिल है, तो बिल्स आएगा, बिल्स अकाउंट। और दूसरा क्या है? नोटरी पब्लिक के जो फीस देगा वो कौन देगा? वो ड्रॉवर अपनी जेब से देगा, बाद में वसूलेगा किससे? ड्रॉबी से। कल बताया था मैंने, ठीक है। तो टू यहाँ पे क्या, ड्रॉवर की जेब से क्या जा रहा है? कैश और बैंक। काय के लिए? एन सी, एन सी मतलब नोटिंग चार्जेस, ठीक है। ये समझा आप लोगों को? नरेशन क्या लिखोगे? बिंग रिटेन बिल डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस, ठीक है। समझा नहीं इतना, पहले इतना लिख दो। ये रिटेन बिल का केस हमने कर लिया पूरा, अब इसका कौन सा आएगा? डिस्काउंटिंग कर दिया, ठीक है। तब तक ये लिख लो। ओके, देखो अभी स्टार्टिंग की दो एंट्री क्या होगी? सेम रहेगी, कोई भी क्वेश्चन सेल होगा और बिल एक्सेप्ट होगा, उसके बाद बाकी ये केस चालू हो गए। उसके बाद क्या होगा? बिल या तो रिटेन रहेगा, मतलब ड्रॉवर के पास ही रहेगा ड्यू डेट के दिन, या फिर बिल क्या होने वाला है? डिस्काउंटिंग करेगा। दूसरा केस, तो ये हमने पहला केस किया, यहाँ पर पहला बिल, ठीक है। फिर उसके बाद केस नंबर टू, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग, देखो रिटेन बिल की एंट्री नहीं होती है। रिटेन बिल में क्या होगा? ऑनर डिसऑनर का ही एंट्री आएगा, रिटेन बिल का खुद का एंट्री नहीं होता है, क्योंकि ड्रॉवर के पास ही बिल है। डिस्काउंटिंग में क्या होता है? बिल, लेकिन ड्रॉवर किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा, और बैंक उसको पैसे देगा। पूरे पैसे देगा या थोड़े कम देगा? थोड़े कम देगा। वो क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा, है ना। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की पहली जो एंट्री है वो क्या होगी? सेकेंड केस है, ड्रॉवर बिल देगा, बदले में क्या मिलेगा? पैसा। तो क्या लिखोगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। फिर बैंक भले ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन ड्रॉवर क्या सोचेगा कि भाई मेरा इतने का एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया? एसेट्स हो गया ना, तो इतने का एसेट्स है, चलो मैंने इतने कम में बेच दिया, तो ज़्यादा मतलब 10 रुपये की चीज़ आप 9 रुपये में बेचोगे तो 1 रुपया क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया ना।
तो वैसे ही बिल्स रिसीवेबल समझ लो, सेल किया, किसने सेल किया, ड्रॉवर ने, किसको, बैंक को, बिफोर द ड्यू डेट, क्योंकि ड्रॉवर को पैसे की जरूरत थी, ठीक है। तो बिफोर द ड्यू डेट होता है, तो बैंक ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया उसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है ना अपने लिए, कैश आ रहा है, डेबिट कार्ड कम्स इन, डिस्काउंट एक्सपेंस है, डेबिट होगा। टू, किसके अगेंस्ट में ये पैसे मिल रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट में, ठीक है। तो जो भी अमाउंट आएगा वो, फिर नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, जिसका बिल रहेगा, ड्रॉवी का नाम समझो अमित है, तो बीइंग अमित्स बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, समझ में आया कुछ, ओके। तो बिल जब डिस्काउंटिंग कर लिया, उसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, या तो बिल ऑनर होगा या तो फिर डिसऑनर होगा, सिंपल ना। तो कौन सा बिल ऑनर होगा अभी, डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड बिल, पहले क्या ले रहे हम लोग, ऑनर्ड। अब वही केस बार बार रिपीट होगा, ऑनर्ड, डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस, है ना। तो अगर बिल ऑनर हो गया, कौन सा बिल, डिस्काउंटेड, तो अब मुझे बताओ ड्रॉवी से पैसा लेने कौन जाएगा ड्यू डेट के दिन, डिस्काउंटेड बिल है ना, मैं समझो कौन हूँ, ड्रॉवर हूँ, आप कौन हो, ड्रॉवी हो, है ना, और आपका फ्रेंड कोई है, वो क्या है, बैंक है, ऐसा समझ के लो। तो मैंने आप पे बिल बनाया, तो ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा लेने मैं आऊँगा, वो कौन सा केस होगा, रिटेन बिल। मैंने क्या किया, डिस्काउंटिंग करा दिया आपके फ्रेंड के पास, है ना, फ्रेंड्स बैंक, वहाँ पे डिस्काउंटिंग करा दिया, तो आप ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा लेने कौन आएगा, बैंक जाएगा आपके पास, मैं तो नहीं आऊँगा ना। और हम लोग एंट्री कहाँ कर रहे हैं, ड्रॉवर की बुक में, बैंक की बुक में एंट्री कर रहे हैं क्या, नहीं। तो ड्रॉवी क्या करेगा, बैंक को पैसे देगा, तो किसके बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा है, ड्रॉवी और बैंक के बीच में, तो यहाँ पे एंट्री, नो एंट्री, है ना, क्योंकि अपन किसकी बुक में काम कर रहे हैं, ड्रॉवर की बुक में, ड्रॉवर के साथ कुछ लेन देन हुआ क्या, ड्रॉवी ने ड्रॉवर को पैसे दिए क्या, नहीं, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। फिर तीसरा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में तीसरा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस मैंने नहीं लिखा। जब डिसऑनर हो गया तो मुझे देखो इस केस में क्या होगा, मालूम है आपके पास, यानी आप ड्रॉवी हो ना, तो आपके पास कौन आएगा, बैंक आएगा, आपने बैंक को पैसे नहीं दिए, तो बैंक किसको पकड़ेगा, मुझे, ड्रॉवर को पकड़ेगा ना, कि भाई तूने जो बिल दिया था उस बिल का ड्रॉवी पैसे नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे, कौन सा वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, डिसऑनर। मैंने आपको अभी क्या बताया था, जब भी डिसऑनर होगा किसको डेबिट करने का, ड्रॉवी को, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ड्रॉवी को डेबिट करोगे, तो ड्रॉवी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू, मैंने क्या बोला था, टू क्या होगा, डिपेंड ऑन द केस, रिटेन बिल था तो हमने डिस्काउंट में किसको क्रेडिट किया, बिल्स रिसीवेबल, अभी किसको क्रेडिट करेंगे, किसके साथ ट्रांजेक्शन में किया था, बैंक के साथ, यहाँ पे कौन आएगा, बैंक आएगा, समझ में, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैंक, नरेशन बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, हाँ समझे, ये समझा था आप लोगों को, डिसऑनर मतलब ड्रॉवी डेबिट, ठीक है, नोटिंग चार्जेस नहीं तो ठीक है, और क्रेडिट कौन होगा, बैंक होगा। फिर चौथा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर विथ एनसी मतलब नोटिंग चार्जेस, ठीक है, नोटिंग चार्जेस। तो अब मुझे बताओ, लेट मैं ड्रॉवर हूँ, आप ड्रॉवी हो, बैंक आपके पास पैसे लेने आया, आपने बैंक को पैसे देने से मना कर दिए, तो नोटरी पब्लिक के पास बिल किसके हाथ में है, बैंक के हाथ में, तो नोटरी पब्लिक के पास कौन जाएगा, बैंक जाएगा या ड्रॉवर जाएगा, बैंक जाएगा, ऐसा ना। अगर बैंक मेरे को आके बोलता है कि आपके ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिया, मैं ड्रॉवी को फ़ोन करूँगा, क्या रे भाई तूने बैंक को पैसे नहीं दिया, आप बोलोगे मैं देने के लिए रेडी हूँ, बैंक ने पैसा नहीं दिया, तब तो फोकट का लफड़ा होगा ना, टाइम पास होएगा, तो इसके लिए, तो फिर मैं बैंक को डांटूंगा कि क्या रे भाई बैंक तूने क्यों
उससे पैसे नहीं लिए हो तो पैसा देने को रेडी है ना। तो ऐसी हालत में क्या होगा कि बैंक ड्रॉवर के पास आने से अच्छा है किसके पास जाएगा, नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक उसको सर्टिफिकेट बना के देगा कि बिल क्या हो गया, एक्चुअली में डिसऑनर हो गया, है समझ लो। तो नोटरी पब्लिक के पास कौन खड़ा है, बैंक खड़ा है। तो नोटिंग चार्जेस देगा भी कौन, बैंक, लेकिन बाद में वसूला किससे जाएगा, ड्रॉवी से, है ना। देखो डिसऑनर बढ़ रहा है ना, क्या डेबिट होएगा, तो ड्रॉवी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। बिल का अमाउंट प्लस बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, दोनों अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, दोनों अमाउंट से इसको डेबिट करेंगे, समझ में आए। टू बिल क्या किया था, डिस्काउंटिंग ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैंक आएगा। कौन से अमाउंट के लिए, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट, हमें बैंक को चुकाना पड़ेगा ना, बिल का पैसा प्लस बैंक ने और क्या पे किया, नोटिंग चार्जेस, समझा ना। तो इधर अलग से टू कैश बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे देखो नोटिंग चार्जेस हमने पे किया ना, अलग से दिखा है ना, क्योंकि ड्रॉवर की जेब से गया, यहाँ पे ड्रॉवर की जेब से गया क्या, नहीं, क्या समझ लें। नरेशन क्या लिखोगे, बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस अमाउंट जो रहेगा वो लिख देगा, ठीक है। तो ये हमने कौन सा केस किया, सेकेंड केस, कौन सा, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, लिख लो इसको, इसका थर्ड केस करेंगे। ओके, दो केस हमने कर लिए, अब इसको हम लोग थर्ड केस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड केस, गुड सेल किया, ठीक है, ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया, बिल या तो रिटर्न रहेगा, पैसे की जरूरत है तो डिस्काउंटिंग किया। अगर हमारा कोई क्रेडिटर हमारे पास आ जाए और वो हमें बोले कि भाई हमें अभी पैसे दो और हमारे पास पैसे अभी नहीं है, तो हम उसको बदले में क्या दे सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल, है ना। खाली बैक साइड पे क्या, बिल के बैक साइड पे क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, किसको, ड्रॉवर को, इंडोर्स टू समवन एल्स, मतलब जिसको भी इंडोर्स किया है ना, लेट, ठीक है। तो इंडोर्समेंट का पता है ना कि नहीं पता है, इंडोर्समेंट का केस पता है, नहीं पता है, चलो ध्यान से सुनो। देखो मैंने आप पे बिल बनाया, आप कौन हो, ड्रॉवी हूँ, मैं कौन हूँ, ड्रॉवर हूँ, बिल का बिल मैंने रिटेंड रखा है, मेरे पास ही है, मैंने डिस्काउंटिंग नहीं कराया है ना। अब साइली क्या है, मेरी क्रेडिटर है, अब ये आके मेरे को बोलती है कि सर मेरे पैसे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बिल दे दूँगा। तो ड्यू डेट के दिन बिल का पैसा लेने के लिए कौन आएगा आपके पास, साइली आएगी, है ना। साइली कौन हो गई, इंडोर्सी, मैं कौन हो गया, इंडोर सर, ठीक है। और बिल को कितनी बार भी, जितनी बार चाहिए उतनी बार हम इंडोर्स कर सकते हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, साइली किसी और को भी इंडोर्स कर सकती है, समझ लो। चलो अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडोर्समेंट की पहली एंट्री, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है। मतलब बिल किसी को दे रहे हो, तो बिल जा रहा है, तो बिल क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, जिसको आप बिल दे रहे हो, किसको बिल दे रहे हो, इंडोर्सी अकाउंट, डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बराबर है। क्या लिखोगे, समझो इंडोर्सी कौन है, साइली, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइली अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। दर्शन क्या लिखोगे, बिंग बिल, किस पे बिल बनाया था हमने, अमित पे, तो बिंग अमित बिल ट्रांसफर इंडोर्स टू साइली। अच्छा चलो, बिल हमने इंडोर्स कर दिया, अब इंडोर्स किया बिल क्या होगा, या तो ऑनर होगा या तो फिर क्या होगा, डिसऑनर होगा। तो पहले ऑनर क्या करेंगे ना, इंडोर्स बिल ऑनर, क्या मतलब है इसका, ऑनर का क्या मतलब है कि ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी ने बिल का पैसा दे दिया, किसको दिया, जिसके हाथ में बिल था, तो इंडोर्स किया हुआ बिल किसके हाथ में होगा, इंडोर्सी के हाथ में, आप किसकी बुक में एंट्री कर रहे हो, ड्रॉवर की बुक में। तो ड्यू डेट के दिन अमित के पास कौन जाएगा, साइली जाएगी पैसे लेने के लिए, है ना। अमित साइली को पैसे दे रहा था, ड्रॉवर की बुक में एंट्री आएगी क्या, नहीं आएगा, है ना। किसके बुक में ट्रांजेक्शन चल रहा है, ड्रॉवी और इंडोर्सी के बुक में, तो इंडोर्सर के बुक यानी ड्रॉवर के बुक में एंट्री नहीं आएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा एंट्री, नो एंट्री, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड में क्या होगा, यहाँ पे ऑनर है तो अभी क्या होगा,
endorsed dishonor. Dishonor जैसे ही वर्ड है मैंने क्या बोला आपको किसको डेबिट करोगे ड्रॉवी को. तो ड्रॉवी अकाउंट क्या हो गया डेबिट. टू क्रेडिट क्या होगा डिपेंड ऑन द केस. डिसऑनर में डिपेंड ऑन द केस. रिटर्न बिल का तो हमने किसको क्रेडिट किया बिल्स रिसीवेबल. डिस्काउंटिंग का तो किसको क्रेडिट किया था बैंक को. अब किसको करेंगे किसको बिल इंडोर्स किया था इंडोर्स. ठीक है वैल्यूएशन क्या आएगा ठीक है कहाँ से आएगा बताओ. शहर में कहाँ गधे लोग घूमते हैं. ओके ये हो गया. अब क्या करेंगे चौथा केस क्या होगा इंडोर्स बिल डिसऑनर विथ नोटिंग चार्जेस. बराबर है. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड लिख रहा है डिसऑनर यानी किसको डेबिट करने का तो ड्रॉवी अकाउंट. तो ड्रॉवी किससे डेबिट होगा नोटिंग चार्ज सॉरी बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस. इंडोर्स के केस में नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा वकील के पास जाना पड़ेगा ना. कौन पे करेगा नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर इंडोर्सी या ड्रॉवी. इंडोर्सी पे करेगा है ना. लेकिन वो जो एक्सपेंस है वो बेयर कौन करेगा ड्रॉवी. फाइनली पैसा किसको देना पड़ेगा ड्रॉवी है ना. अच्छा तो बिल डिसऑनर है तो क्रेडिट क्या होगा इंडोर्सी अकाउंट. इंडोर्सी को किसके लिए क्रेडिट करेंगे बिल के लिए प्लस नोटिंग चार्जेस के लिए क्योंकि ड्यू डेट के दिन बिल किसके पास था इंडोर्सी के पास था. इंडोर्सी जब ड्रॉवी के पास गया तो ड्रॉवी ने पैसे नहीं दिए तो सबसे पहले इंडोर्सी ड्रॉवर के पास नहीं जाएगा किसके पास जाएगा नोटरी पब्लिक के पास जाएगा सर्टिफिकेट बनाएगा नोटरी पब्लिक का पैसे देगा है ना. अच्छा ड्रॉवर क्या करेगा ड्रॉवी से पैसे वसूलेगा और इंडोर्सी किससे पैसे वसूलेगा ड्रॉवर से. नहीं समझिए ठीक है. देखो मैं समझो ड्रॉवर हूँ है ना और अमित कौन है ड्रॉवी और समझो मैं ड्रॉवर हूँ है ना. तो अमित के ऊपर क्या बनाया बिल बनाया. अमित क्या देगा पैसे देगा है ना. आया समझो अमित पैसे देगा. अमित ने डिसऑनर कर दिया बिल ठीक है. ड्रॉवर को किसे पैसे देने थे समझो सायली को. सायली ड्रॉवर के पास गई भाई पैसे दो. ड्रॉवर ने क्या दिया सायली को बिल्स रिसीव किसका अमित का. सायली अमित के पास गई ड्यू डेट के दिन भाई ला पैसे. अमित ने पैसे नहीं दिए क्या किया डिसऑनर कर दिया. अब अमित से पैसे कौन वसूलेगा ड्रॉवर. और सायली को वापस से पैसे बिल के पैसे मिले क्या नहीं. तो सायली को पैसे कौन देगा ड्रॉवर देगा है ना. ये समझा तुम लोग तुम. ये कौन सी हमने केस किया थर्ड केस किया इंडोर्समेंट का. इसका एक केस रह गया कौन सा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. उसके अलावा भी है रिन्यूअल है तो उसमें चार ही एंट्री आती है और फिर रिटायरमेंट है ना. क्या समझे. और ड्रॉवी जब इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो ये तीन केस और बाद के हैं वो हम लोग बाद में करेंगे. ये पार्ट वन रहेंगे ठीक है. तो इतना जनरल एंट्री इस वीडियो में कर लो बाकी का जनरल एंट्री में बाद में बताता हूँ. तो टोटल कितनी जनरल एंट्री होगी थर्ड केस में चार सेकेंड केस में चार आठ हुआ और फर्स्ट केस में कितनी एंट्री तीन एंट्री है ना. आठ और तीन ग्यारह और दो एंट्री स्टार्टिंग की कितना हो गया तेरह एंट्री हुआ. ऐसा कर लूँगी.